तो हम कोई घाटे का सौदा करने वाले नहीं। क्या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं, हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है। दोस्तों, नीतीश कुमार कैसे आए राजनीति में, 40 साल पहले वे कैसे भाषण देते थे, आइए आज के इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लहरों के विपरीत चलना नीतीश कुमार का इतिहास रहा है। एजिटेशन पर मुझे कुछ नहीं करना, जहाँ तक रेलवे प्रॉपर्टी या रेलवे की हिफाजत का सवाल है वो स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व। साल 1977 में जब जनता पार्टी के सभी दिग्गज यानी कि रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव जीत रहे थे, उस वक्त नीतीश कुमार हरनौत से विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाए थे। पहली बार एमएलए बनने के बाद नीतीश कुमार ने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक करियर की आधारशिला 70 के दशक में ही रख दी थी, जब वे बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई के दौरान ही नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़ गए। साल 1987 में उन्हें युवा लोक दल का अध्यक्ष बना दिया गया। बाद में साल 1989 में जनता दल के सचिव के रूप में उनकी पदोन्नति हुई। इसके बाद साल 1989 में नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में बाज से खड़े हुए। इस चुनाव में उन्होंने एक ऐसे शख्स को हराया जो शेर ए बिहार के नाम से जाना जाता है, वो शख्स थे राम लखन सिंह यादव। फिर इसके बाद उन्हें यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर का पद दिया गया। उन दिनों में लालू यादव और नीतीश कुमार की अच्छी दोस्ती थी, लेकिन ये दोस्ती साल 1994 तक ही सलामत रही। नीतीश कुमार लालू यादव को बड़े भाई कहा करते थे और आज भी नीतीश कुमार लालू यादव को इसी नाम से बुलाते हैं। तब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था, बिहार के पास 324 विधानसभा सीटें थी। नीतीश कुमार की पार्टी ने मुश्किल से 7 ही सीटों पर जीत दर्ज की थी। फिर इसके बाद उन्होंने अपनी रणनीति बदली। फिर इसके बाद साल 1995 के आखिर तक नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर बीजेपी के साथ मेलजोल बढ़ा दिया। साल 1996 में समता पार्टी भाजपा का सहयोगी दल बन गया। 2 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और नीतीश कुमार को कैबिनेट मिनिस्ट्री मिल गई। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नीतीश कुमार ने साल 1998 से 2004 तक काम किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे, सरफेस ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर मिनिस्टर की जिम्मेदारियां निभाई। इसी बीच नीतीश कुमार पहली बार बिहार के सीएम बने। 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक 7 दिनों के लिए वे बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन पर्याप्त बहुमत नहीं होने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उन्होंने इस बार भी हार नहीं मानी और इसके बाद नीतीश कुमार ने अपने सोशल इंजीनियरिंग स्ट्रेटजी पर और अधिक काम किया। 5 साल बाद नवंबर 2005 के चुनाव में उन्होंने लालू प्रसाद यादव के राज को तोड़ दिया। फिर 24 नवंबर 2005 को वे दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। रेलवे मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने अपने भाषण में एक बार कहा था, तो हम कोई घाटे का सौदा करने वाले नहीं। इस भाषण में उन्होंने आगे कहा, एजिटेशन पर मुझे कुछ नहीं करना, जहाँ तक रेलवे प्रॉपर्टी या रेलवे की हिफाजत का सवाल है वो स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व। वहीं एक बार उन्होंने अपने भाषण में कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों के हित में तो कुछ काम नहीं हो रहा, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें थी जो आप देहाती इलाकों के लिए बहुत आवश्यक था वो हुआ। इस भाषण में वे आगे कहते हैं, नामकरण हो रहा है उनका, जा रहा है राज्य का पैसा, तो इसलिए जब यही सब में आप दे रहे हैं तो अन्य प्रकार से राज्यों को मदद मिलना चाहिए ना। इस भाषण में उन्होंने आगे कहा, तो जो मदद मिलता है राज्य का शेयर है उसका तो बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है उन्हीं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी राज्य अपने विकास के लिए बाहर से कोई ऋण ले, कोई भी चीज ले, तो उसके लिए उसका एक लिमिट बढ़ना नहीं चाहिए भाई, तभी ना विकास होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में अपना विचार रखेंगे। बेहद आभार हमसे जुड़ने के लिए। क्या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं, हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है।